हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार, आज खरखोदा से एक 25 सदस्यीय दल जो पवन खरखोदा हैं भाजपा सरकार में नेता, उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ पहुंचा, जो सैनीगढ़ी मोहल्ला के जो मौजूद लोग हैं वो लोग इसमें शामिल हुए। उनका एक जो समस्या है वो ये समस्या है कि 200-250 साल पुरानी बस्ती को अब हाल में सरकार ने अवैध करार दिया है, और इस बारे में पहले जो पूर्व CM थे खट्टर साहब उनसे भी मिल चुके थे, उन्होंने पॉलिसी बनाने का भी ऐलान विधानसभा में कर दिया था, उस पर भी कार्रवाई चली हुई है एक तरफ। दूसरी तरफ अब नगर पालिका ने नोटिस जारी किए हैं और एक एक व्यक्ति को कई कई एकड़ का मालिक बताया है उसमें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इस बारे में उनसे मुलाकात की, सारी चीज़ें बारीकी से बताई गई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा, और DC को भी वहां से इन्फॉर्म किया गया है, और जो बस्ती के लोग हैं इनको कहा गया है कि आप एक बार DC साहब से मिलो, समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर फिर भी कोई चूक रहती है तो फिर से दोबारा उनके पास आ सकते हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि जो खरखोदा का सैनीगढ़ी मोहल्ला है वो चकबंदी के दौरान कोई छोटी मोटी त्रुटि के कारण वो लालडोरा में नहीं दर्शाया गया, और रेवेन्यू की ज़मीन में उसका रिकॉर्ड बोलता है, जबकि मौजूदा हाल में वहाँ पर 150 से 200 साल पुरानी बस्ती पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, जिसमें सरकार पिछले सारे समय से ही उसमें डेवलपमेंट के कार्य करा रही है, लेकिन अब जो रिकॉर्ड से मैच किया गया है तो वो लालडोरा में नहीं दर्शा रहा, वो रेवेन्यू की ज़मीन में दर्शा रहा है। तो ये त्रुटि थी, हालांकि इस बारे में सरकार एक पॉलिसी भी लेके आई है कि जो लालडोरा से बाहर है और शहर की ज़मीन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर आती है, तो ऐसी ज़मीन का एक टोकन मनी लेके उनके नाम मलकियत की जाएगी, इस तरह की योजना भी लेकर आ रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। लेकिन जो ये मोहल्ला है इसमें त्रुटि भी है, और ये दोनों ही पॉलिसी में फिट बैठती है, ताकि लोगों को यहाँ पर जो इनकी समस्या है उसका निवारण हो सके, इस मांग को लेकर लोग CM साहब से मिले थे और उनकी समस्या का अच्छे से समाधान करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। लोगों ने पूरे सबूत भी CM साहब को दिखाए हैं, जिसमें उनका पुराना 6-7 पीढ़ियों का एक विवरण, और जो पुराने बिजली के बिल हैं, पुराने कई रजिस्ट्रियां हैं, कई और दूसरे विवरण हैं, वो सारे विवरण CM साहब के सामने बारी बारी से रखे गए, और तब CM साहब ने निर्देश दे दिए हैं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, और DC साहब को भी इस बारे में निर्देश दिए जाएंगे। खरखोदा से करीब 100 लोग वहाँ पे गए हुए थे, अलग अलग जो बैच थे उनकी अलग अलग समस्याएं थी, और सभी को CM साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये जो मांग है इन पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। खरखोदा से जो लोग गए थे उनके बीच में ही बैठकर CM नायब सैनी जी ने सभी की बारी बारी से समस्याएं सुनी, और तसल्ली से उनको आश्वासन भी दिया, और उन्हें बताया गया कि बहुत जल्द ये सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से हमारे सैनी समाज के प्रमुख लोग मिले हैं, और एक ही मांग थी कि जो 200-250 सालों से हमारा ज़मीन पे जो मालिकाना हमारा हक है, लेकिन उसका मालिकाना हक के रूप में पक्के कागज अभी तक किसी को नहीं दिए गए हैं, तो उसी रूप में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मुलाकात हुई है, और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि इस काम को मैं पुरजोर तरीके से जल्दी करने का काम करूँगा जी। और आज CM साहब ने DC साहब को भी सोनीपत फ़ोन किया, और उनको ये कहा कि जल्दी से जल्दी इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जल्दी भिजवाओ, ताकि मैं इसको पक्का कानून बना के अमलीजामा पहना के और इसको आगे इस पर कार्य हम कर सकें। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखोदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29
831-32 89-504-04-064 केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट रोड़ी क्रेसर सीमेंट बदरपुर एएसी ब्लॉक सरिया शटरिंग सामान कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419-55-5657 लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद।